हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। रव्या पाली ब्लॉग में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दिन की शुरुआत एक नए ब्लॉग के साथ, बने रहिए हमारे ब्लॉग में। तो ये देखिए जी, सुबह सुबह मैंने रख दिए हैं छोले और आलू बनने। आलू मैंने पहले ही छील कर रख दिया है और धो के अच्छी तरह एकदम साफ पानी में, और मैं हल्का सा नमक डाल दूंगी अभी जा इसमें। ये डाल दे वरना नमक मसाला धनी नहीं लाई ना मैं ढाका अभी, तो मैंने सोचा रख दे इसी डाल इसे डाल दो अभी ढकने से डब्बे के। तो ये देखिए जी, रात कितनी हो रही है अभी, लेकिन 6:30 बज रहे हैं और मैंने इधर चूल्हा जला लिया है। अब रखूँगी चूल्हा उबालने सबसे पहले, क्योंकि अभी कोई उठानी चाय भी नहीं बननी, तो मैं ये सोच रही चूल्हे उबाल कर रख दूँ और फिर उसके बाद इसमें दूध पका लूँगी बच्चों का, और फिर उसके बाद बनाऊँगी चाय। इतना सब उठ जाएंगे। तो चलो जी, रख देते हैं अपना कुकर जलने के बाद। तो ये देखिए जी, मम्मी काट रही है टमाटर। छोले उबल गए थे हमारे, इतना छोले उबले, इतना मैंने टमाटर का वीडियो एडिट करी है अपनी, और फिर टमाटर। अब दूध रख दिया मैंने चूल्हे पे, और यार जब तक दूध गर्म होगा चौक तैयार कर लूंगी, फिर सब्जी चौक दूंगी। चुन लिया छोले? छोले छोले तो आ रहे हैं, वो उबल नहीं गए थे, छोले तो रखे थे घर पे। तुम तो कह रहे थे आनी चावल। अच्छा, पापा जी को क्या दे लिया भाई चावल? सर्दी इतनी हो रही बिना टोपे के, मेरे पर आ नहीं जाता। तुम क्या रोज तुम इस टोपे को छोड़ते नहीं बिल्कुल भी? जब मैं उतार दो ना तो मैं परेशान हो जाऊ। उस दिन धोया था कल परसों, अभी तुरंत तोड़ लेगा चूल्हे में सुखा के, क्योंकि मशीन में तो सूख ही जाएगा बड़े गर्म जल्दी, फिर थोड़ा बहुत गीला रह जाता है, यहाँ पे सुखा लेता चूल्हे। तो ये देखे जी, हमने आलू और छोले उबाल लिए हैं, अब इनको छोंकेंगे। पहले इनको ना मिक्स कर लूँ, मतलब आलू फोड़ लूँ चूल्हों में ही, और जब छोंकेंगे। तो मैंने रख लिया अब कुकर चूल्हे पे, और अब जब मैं छोले छोंकूँगी, आलू छोले बनेंगे आज। और सर्दी हो रही, चावल तो देखेंगे। और ये उठकाए है अभी, अभिराज के पास सो रहे थे, और सर जमाना चूल्हा बहुत दिक्कत करा जलने में। हाँ देखिए जी, तेल हमारा गर्म हो गया है, और अब डालूंगी मैं जीरा। तो अब डालूंगी मैं प्याज, प्याज हमारी लाल हो गई है, और डालूंगी मैं टमाटर और सभी मसाले। तो देखिए जी, तरी हमारी बनकर हो गई है तैयार हो गई है, और अब मैं डालूंगी का बॉल, आलू और छोले, इन्हें मैंने मिक्स कर लिए थे दोनों।
देखिए जी हमारे चूल्हे सुकर हो गए हैं तैयार एकदम। बस अब एक खदका लाना है इसमें क्योंकि आलू तो बढ़ गए अच्छी तरह। ये देखो तो ये देखिए जी शाम के टाइम सबका खाना पीना हो गया था और मैंने बर्तन भी साफ कर दिए हैं। बर्तन साफ करके मैंने खाट पे चारपाई पर रख दिया अभी ताकि इनका पानी निचड़ जाए और फिर अंदर में स्लेब में लगा दूंगी किचन में। और अब मुझे भूनना है बेसन। सब खाना पीना खाकर सो गए हैं अपने कमरे में तो मैं सोच रही क्योंकि बच्चे भी सो रहे हैं दिन में बच्चे परेशान करें तो मैं बेसन अभी भून कर रख लूँगी और वो बनाएंगे कुछ स्पेशल हो जाए बच्चों के लिए। तो कुछ स्पेशल भी कुछ नहीं है, बस ये है कि बच्चों के सर्दी ना लगे उनकी वजह से ही बना रही हूँ ये सब ताकि बच्चे ये मतलब इस सर्दी में बीमार ना पड़े क्योंकि अभी राज को भी बहुत ज़्यादा ठंड लग गई थी वो तो दवाई वगैरह चल कर ठीक हो गई और परी रविया का भी। तो चलो जी लग जाते हैं अपने काम पर, दिखाएँगे आपको बेसन भूनते हुए भी। तो ये देखियो जी मैंने चूल्हा जलाकर कढ़ाई रख दी है और इसमें ना ये घी का डब्बा डाल रखा ताकि घी पिघल जावे। डब्बे को अंगारी पे इसलिए नहीं रख रहे, डब्बे डब्बा काला हो जाएगा तो मैं सोच रही ऐसे ही निकल जावे पिघल के। और अब मैं भुनूंगी बेसन। ये पापा जी ले आए थे और गोला मिलानी फिर परी ने ले लिया कोंचा। अब यह हलवाइयों का काम या जोड़ेगी। अभी बेसन परी को भून रहा, मेरी छुट्टी ठीक है मैं आराम मुझे कर काम करने का बहुत शौक है पर मैंने बता नहीं कोई बतता रहो बैठ के बस। अच्छा। इसमें तो ये देखियो जी घी मैंने डाल दिया है इसमें और अब डाल लूंगी मैं बेसन। अरे ये देखो जी अब डल गया है बेसन और अब मिलते हैं बेसन भूनने के बाद में। लाओ बेटा चलाओ ये लग जाओगा नीचे। तो ये देखो जी बेसन भूनने के बाद मैंने सभी मिक्स कर लिया था सामान जो भी था, काजू बादाम मखाने और गोंद। यार ये छुहारे ना बहुत ही ज़्यादा टाइट हो रहे थे तो ये तो डालने का मेरा मन भी नहीं कर रहा था क्योंकि जड़ दांत भी ख़राब हो रहे हैं, खाना खाने में ही दिक्कत करते हैं बहुत ज़्यादा। और फिर मैंने यहाँ पे चक्कू मंगा लिया था परी से लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। तो ये देखो जी मैंने बेसन भून के ना इसमें मैंने मिला लिए थे काजू और मखाने और गोंद और ये है बादाम का बुरुद्दा यानी कि बादाम तोड़ लिए थे हमने और छुहारे। अब इनको मिक्स करेंगे। आई मम्मी बहुत बढ़िया लग रहा था मतलब ये अरे अभी क्या हो जाएगा अभी तो और भी अच्छा ही लगेगा। नहीं मतलब ऐसे ही बढ़िया लगता है जिकर अब जाए है यो। ओह माय गॉड यो बन गया के यो इक्का तो हमें मानते जा मट्टी पे मट्टी से बनावे फूट नहीं आयो बिल्कुल ये करिए बंद करिए। तो तो देखिए मम्मी जी ने मिला जी मैंने सभी मिला लिए बादाम छुहारे काजू गोंद सब कुछ और अब जा मतलब हाथ से इसीलिए मिलाना पड़ रहा क्योंकि हाथ से ही अच्छी तरह मिलेगा। और बेसन मैंने भून ही लिया था क्योंकि आप सबको मैं हाँ आप लेके आओ इधर आओ आप देंगी मैं। तो ये देखिए जी मेरे बच्चे भी मेरे पास आ गए हैं सभी। राबिडा बेबे ने बैठा है इसमें ये धरा जाएगा संडा बाबू इनके लिए संडा डाल दिया थोड़ा थोड़ा रोज खा लेंगे। राबी बादाम डाल रही थी बादाम ये रहा मम्मा मुझे तो ये खाने क्या ये नहीं आप खा लो अभी राज आप खा लो मम्मा। तो अब जा मम्मी जी भर रहे तो बहुत ज्यादा डालते हैं। मम्मा बहुत ज्यादा
तो ये देखिए जी, मैंने लगा दिया है मशीन, मशीन में पानी भर दिया और कपड़े भी गिर दिए। तो उधर आज माँ खेत में नहीं गई, तो आप लोग कमेंट आ रहे थे कि आपकी सासू माँ नहीं दिखाई देती, तो माँ सुबह चली जावे खेत में फिर शाम को आवे, और आज घर ही थी माँ क्योंकि पर्ची नहीं आ रही ना, तो माँ को अकेले करनी पड़ती है पर्ची, तो माँ छोल में चली जावे सुबह सुबह गन्ने छेलने के लिए, तो आज घर पे ही है। और माँ नहाई आज, ये देखो माँ के कपड़े बाद में दूंगी क्योंकि खेत के कपड़े हो रहे हैं बहुत ज्यादा मैल है इनमें, तो सबसे। तो ये देखिए जी, टोबो घूम रही है यहाँ पे, इसे जी में बैठ कर बिल्कुल भी आराम नहीं मिलता। यहाँ माँ का चल रहा है हुक्का, आज तो बहुत दिनों बाद रही माँ घर।